नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिएगा, आपको इस वीडियो में देखिएगा उपेंद्र जी यादव जी के द्वारा जो मैसेज दिया गया, जो कि ऑडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूं, तो आप ऑडियो को एक बार जरूर सुनिएगा, जिससे कि आपको पीछे पछताना नहीं पड़ेगा। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनके साथ आइएगा, और हम भी आ रहे हैं, आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। जयपुर से हम आपको लाइव दिखाएंगे, जो भी न्यूज़ होगी उन सभी को आपके पास पहुँचाया जाएगा। तो गाइज, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और जो नए आ सकते हैं उनके लिए लाइव दिखाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा, टेक्निकल हेल्पर से संबंधित ही यह चैनल है। आप देखिएगा, इसमें पहले की वीडियो भी, जो भी फरवरी में आंदोलन किया गया था उसकी भी वीडियो आपको मैंने उपलब्ध कराई थी। उसके बाद में 3-4 बार आंदोलन हुआ, भी आंदोलनों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो देखिएगा, इन्होंने टेक्निकल हेल्पर भर्ती का आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। लाइमैन भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो प्रमुख मांगे हैं उनके बारे में देख लीजिए। पद बढ़ाया जाए, ऑफलाइन एग्जाम हो, आयु में छूट हो, एग्जाम पैटर्न 2013 वाला हो, और वैकेंसी अभी जारी हो, जो कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए लास्ट आंदोलन होगा, जो कि इन्होंने कहा है इस मैसेज में। देखिएगा आप, उपेंद्र जी यादव जी का यह एक बड़ा संदेश है। देखिएगा, उपेंद्र जी यादव जी का यह मैसेज एक बार जरूर सुनिएगा, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर ध्यान लगा के सुनिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। सभी ITI विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, बस लास्ट बार आपसे मैं कह रहा हूँ, 10 तारीख को आप अंतिम बार आइए। इस बार हमारे संघर्ष की जीत होगी। कल भी मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया है, लेकिन इस बार हम विज्ञप्ति लेकर उठेंगे। आपने देखा होगा, अधीनस्थ बोर्ड लगातार विज्ञप्ति जारी कर रहा है। हालांकि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सितंबर महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी कर देंगे, लेकिन साथियों हमें आश्वासन नहीं, हमें विज्ञप्ति चाहिए। हम ऑफलाइन एग्जाम चाहते हैं, हम पदों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, हम 2013 वाला पैटर्न चाहते हैं, हम आयु सीमा में छूट चाहते हैं। तमाम मांगों को लेकर हम 10 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है, जिस प्रकार हमने फरवरी में लड़ाई लड़ी थी उससे भी बड़ा आंदोलन इस बार है। तो सभी टेक्निकल हेल्पर के जो विद्यार्थी, उनसे मेरा ही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार एक बार, लास्ट बार आप लोगों को आना, इसके बाद मत आना, उसके बाद आप लोग तैयारी करना, क्योंकि आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और आपको खुशी मिल जाएगी। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, इसके बाद आप लोगों को नहीं बुलाऊंगा, आपको सीधी खुशखबरी मिलेगी। इसलिए 10 तारीख को जी जान लगा देना, लोग आपको भ्रमित करने आएंगे। जो लोग कह रहे थे ना कि वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली, पदों की संख्या उपेंद्र यादव गलत बता रहा है, तो सारी चीज़ें उनकी गलत साबित हो गई, क्योंकि पदों की संख्या भी आपको पता है, मंत्री जी ने बता दिया, वित्तीय स्वीकृति के लिए भी उन्होंने बता दिया। तो वो लोग केवल अपनी कोचिंग का, खुद का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनकी पोल खुल चुकी है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि जो टेक्निकल हेल्पर के भैया, मुझे 1000 व्यक्ति दे दो, मैं गारंटी देता हूँ आपको सितंबर में आपकी विज्ञप्ति लाने की। इसलिए तमाम टेक्निकल हेल्पर भर्ती का इंतजार करने वाले युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 सितंबर को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पहुँचे, लास्ट बार आना है, और खुशियाँ देने का वादा मैं कर रहा हूँ, आपकी भर्ती लाने का वादा मैं कर रहा हूँ, आपकी विज्ञप्ति लाने का मैं वादा कर रहा हूँ। आपसे पहले वादा किया था, जब मंत्री जी ने साफ मना कर दिया था कि मेरे पास पद खाली नहीं है, लेकिन मैंने जी जान लगाकर आपसे जो वादा किया वो अब अंतिम स्तर पर, आपका वादा जल्द पूरा हो जाएगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि 10 सितंबर को सुबह 10 बजे जयपुर 22 गोदाम पेट्रोल पंप पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। ये ऑडियो तमाम ITI जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन तक पहुँचाए, और कहे कि लास्ट बार। आप समझ रहे हो कि मंत्री जी ने बयान दे दिया, आप समझ रहे हो कि सितंबर के उपेंद्र यादव जी ने कह दिया, तो आ जाएगी। दोस्तों पहले भी मंत्री जी ने कहा था, अब अधीनस्थ बोर्ड की विज्ञप्ति जारी हो रही, आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकती, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रेशर बनाना है, और हम ये प्रेशर बनाकर इसी महीने में विज्ञप्ति जारी करवा लेंगे। इसलिए आपसे, आपकी खुशी के लिए बुला रहा हूँ, इसलिए घरों से निकलिए, और मात्र एक दिन के लिए 10 सितंबर को सुबह 10 बजे 22 गोदाम जयपुर पेट्रोल पंप पहुँचे, और अपनी खुशियों को यहाँ से खुशी खुशी से आप लेकर जाओगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।